हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यह स्ट्रक्चर ड्राइंग के बारे में। यह एक पाइप रैक का ड्राइंग है जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। यह जो ड्राइंग है, एक हमारे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो भेजे हैं देखने के लिए। इस ड्राइंग को कैसे देखा जाता है, इसका फैब्रिकेशन कैसे करते हैं, इसका इरेक्शन कैसे करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जो मैं आपको ड्राइंग दिखाया, ये फर्स्ट वाला फाइल का ये ड्राइंग था। एक फाइल में 15-20 ड्राइंग है, जिसमें 14 फाइल है और ये एक ही रैक का ड्राइंग है। जैसे आप मान लीजिए कि एक ही यूनिट का ये टोटल ड्राइंग है, एक ही स्ट्रक्चर का ये पूरा ड्राइंग है, 14 फाइल में है और एक एक फाइल में 15-20 ड्राइंग है। तो ये कैसे हमको देखना है, किस तरीका से इसको समझना है, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आप ये 3D व्यू एक देख रहे हैं, यह जो ड्राइंग है ये अलग है, किसी और प्रोजेक्ट का है, लेकिन आपको मैं ये 3D व्यू दिखा रहा हूँ क्योंकि आप समझ जाएंगे कि ताकि इस तरीका का जो स्ट्रक्चर वगैरह जो बनता है, पाइप रैक वगैरह, तो वैसा ही एक बनाने के लिए यह 14 फाइल में यह ड्राइंग तैयार किया गया है। तो फ्रेंड, मैं ये पहला वाला जो है फाइल जो है इसे ओपन कर लेता हूँ। इस फाइल में 17 ड्राइंग है, ये सब देख सकते हैं आप इस तरीका से, ये 17 ड्राइंग है। तो सबसे पहले ये देखना होता है कि जो हम इस तरीका का अगर हम देख रहे हैं, तो ये कौन से साइड का ये ड्राइंग दिखा रहा है। जैसे कि आप ये 3D व्यू में आपको दिखा रहा हूँ क्या है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये कौन से साइड का, मतलब ये ड्राइंग जो है इसमें दिखाया जा रहा है। और इसमें पूरा आपको डिटेल ये सब मिल जाएगा फैब्रिकेशन करने के लिए और इरेक्शन करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं जो मेन स्ट्रक्चर का जो यहाँ पे डिटेल दिया गया है, जो मेन रैक है उसका ये जो है टॉप व्यू दिया गया है। ये जो यूनिट है इसे हम ऊपर से यहाँ पे देख रहे हैं। इसे हम जूम कर लेते हैं, तो फ्रेंड देख सकते हैं इसे मैं थोड़ा सा जूम कर दिया हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ये टॉप व्यू दिखा रहा है, जैसे कि ये 3D व्यू में आप देख रहे हैं ऊपर के तरफ से, इसमें ये टॉप व्यू ये दिखा रहा है। और टॉप व्यू में ये किस जगह का, ये जो ड्राइंग है ये किस जगह का है, यहाँ पे देख सकते हैं एक रेखा टाइप का यहाँ पे बॉक्स बनाया गया है। यहाँ का ये जो डिटेल है इस ड्राइंग में दिखाया गया है पूरा। और यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे जो कॉलम खड़ा हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम है इस लाइन में। और इस तरफ से गिनती करेंगे तो 3 कॉलम आता है, 1, 2, 3। यहाँ पे 3 कॉलम इस तरफ, इस साइड से अगर आप देखेंगे तो 3 कॉलम आपको दिखाई देगा और इस साइड से अगर आप देखेंगे तो 5 कॉलम दिखाई देगा। तो यहाँ पे 3 कॉलम का डिटेल जो है इस साइड से व्यू ये सब ड्राइंग में दिखाई दे रहा है। ये ड्राइंग में यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है दिस ड्राइंग, और 5 नंबर के सामने तीनों कॉलम है और ABC यहाँ पे लिखा गया है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं ABC लिखा गया है, वहीं तीनों कॉलम का यहाँ पे साइड व्यू दिखा रहा है किस तरीका से आपको फैब्रिकेशन करना है और कैसे इरेक्शन करना है। एक कॉलम से दूसरे कॉलम का जो दूरी है, यहाँ पे सब डायमेंशन देख रहे हैं लिखा गया है। एक कॉलम से दूसरे कॉलम का जो दूरी है वो 8 मीटर का रहेगा, इस सेंटर से इस सेंटर तक। यहाँ पे देख सकते हैं 2-2 मीटर लिखा गया है। और यहाँ ऊपर में देख सकते हैं एक कॉलम के सेंटर से दूसरे कॉलम का जो दूरी है 8 मीटर, और ये भी 8 मीटर रहेगा। और इसमें हर एक एलिवेशन पे जहाँ जहाँ पे बीम कॉलम और ब्रेसिंग वगैरह ये सब लग रहा है, बीम लग रहा है, सबका यहाँ पे एलिवेशन लिखा गया है, ऊंचाई लिखा गया है, हाइट कितने दूरी पर यहाँ ये सब लगाया जा रहा है देख सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो 0 एलिवेशन है वह 200 mm पर है, और उसके बाद यहाँ पे 2 मीटर 600 हो गया, और यहाँ पे 7 मीटर हो गया यहाँ पे ये एलिवेशन, और यहाँ पे ये एलिवेशन 9 मीटर 800 हो गया जहाँ पे बीम वगैरह आ रहा है, और यहाँ पे 12 मीटर 400, 15 मीटर 400, 18 मीटर, 21 मीटर 600 और 24 मीटर 700। और इसके ऊपर और भी स्ट्रक्चर आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं मेच लाइन ए शीट नंबर 3 में यहाँ ऊपर का और एक कनेक्शन आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो शीट है यहाँ पे 3 हो गया, और आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे शीट ऑफ 3 यहाँ पे लिखा गया है, 13 of 17 ड्राइंग में से ये तीसरा ड्राइंग है। तो ये जो है शीट ऑफ 2 में कनेक्शन हो रहा है, ये बीम के ऊपर और भी बीम वगैरह आ रहा है जो यहाँ पे उसका डिटेल ये दिखा रहा है। ये जो कनेक्शन है इसका कनेक्शन, ये नीचे वाले भाग का कनेक्शन जो है इसमें होगा, ये तीनों कॉलम, और ये सबसे टॉप व्यू है, इसके ऊपर अब बीम वगैरह नहीं रहेगा। इस तरीका से इसका व्यू देखा जाता है। तो ये जो दिखा रहा है ये साइड व्यू हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर से ये टॉप से दिखा दिया कि ये जो है इसका
यहाँ का डिटेल जो है इस ड्राइंग में दिखाया जा रहा है। और मैं आपको डिटेल भी बता दूंगा कि किस तरीका से आपको फैब्रिकेशन करना है, क्या क्या मटेरियल लग रहा है, कैसे डिटेल इसका देखेंगे एक एक चीज़। पहले हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं ये सब। और वैसे ही मैं आपको ये दूसरा ड्राइंग मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ, इसमें किस तरीका से व्यू दिखा रहा है और कहाँ का दिखा रहा है। तो फ्रेंड इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मेन ड्राइंग का जो व्यू दिखा रहा है ये साइड व्यू यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम कर लेता हूँ और इस फाइल में 12 ड्राइंग है यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें जो आपको दिखाया जाएगा हर एलिवेशन का अलग अलग आपको व्यू मिलेगा और डिटेल मिलेगा। जैसे कि हम ये जो पहला ड्राइंग आपको दिखाएं, जैसे कि यहाँ पे एलिवेशन लिखा हुआ है 7 मीटर और यहाँ का आपको डिटेल देखना है टॉप व्यू के यहाँ पे और क्या क्या डिटेल दिखा रहा है। तो हम उस ड्राइंग में देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या डिटेल में दिखाया जा रहा है इसी एलिवेशन पे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 7 मीटर है। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे हर एलिवेशन का अलग अलग यहाँ पे डिटेल आपको मिलेगा। जैसे कि मैं आपको वहाँ पे बताया कि 7 मीटर का अगर हमको डिटेल देखना है तो यहाँ वाला देखेंगे कि 7 मीटर वाले का डिटेल किस फाइल में दिया गया है। तो ये जो ड्राइंग में दिया गया है 15 मीटर 400 एलिवेशन का यहाँ पे डिटेल, यहाँ पे टॉप एलिवेशन का डिटेल इसमें दिया गया है दिस ड्राइंग, यानी कि ये जो रेखा खींचा गया है इस एलिवेशन का 15 मीटर 400 एलिवेशन पे जो प्लेटफॉर्म बन रहा है पूरा, तो उसका डिटेल जो है पूरा आपको ये ड्राइंग में मिलेगा। और हमें अगर 7 मीटर एलिवेशन का जो प्लेटफॉर्म बन रहा है उसका डिटेल देखना है तो देखेंगे कि कौन से फाइल में हमें 7 मीटर एलिवेशन का डिटेल दिखा रहा है। तो वैसे ही इसमें देख सकते हैं कि 15 मीटर 400 एलिवेशन पे जो प्लेटफॉर्म बन रहा है इस फाइल में जो पूरा डिटेल दिखाया गया है ये ड्राइंग में। और यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 से लेके 5 तक कॉलम इसमें देख सकते हैं सब लिखा हुआ है। और ये साइड व्यू है, ये आपको ध्यान देना है, ये जो है साइड व्यू दिखा रहा है। और इसमें टॉप एलिवेशन का यहाँ पे 15 मीटर 400 एलिवेशन का यहाँ पे डिटेल यहाँ पे टोटल आपको मिलेगा। अगर आपको इसके ऊपर का एलिवेशन का डिटेल देखना है तो उसके लिए आपको दूसरे फाइल में जाना होगा। तो फ्रेंड ये जो डिटेल जो दिखा रहा है प्लेटफॉर्म का, ये जो है इस ड्राइंग में 15 मीटर 400 एलिवेशन यहाँ पे देख सकते हैं, ये साइड व्यू वाला में 15 मीटर 400 एलिवेशन पे जो ये प्लेटफॉर्म बन रहा है ये जो है उसी का यहाँ पे प्लेटफॉर्म का ये डिटेल दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं प्लान एट टॉस एलिवेशन 15 मीटर 400, ये इसका व्यू है। यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम नंबर यहाँ पे दिया गया है ए कॉलम और ये बी कॉलम और ये सी कॉलम। और इस तरफ से देखेंगे तो कॉलम नंबर 1, 2, 3 तक ये जो है डिटेल दिया गया है और ये 3, 4, 5 तक इस ड्राइंग में डिटेल दिया गया है। दो भाग में ये से डिवाइड कर दिया गया है ये ड्राइंग को, ये जो है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो इसमें डिटेल दिया गया है ये दो भाग में डिवाइड करके इस ड्राइंग में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देख सकते हैं 1 से 2 और 3 कॉलम तक ये डिटेल हो गया और इसमें जो है 3, 4, 5 तक ये डिटेल हो गया। और बाकी सब इसमें ये सब जो स्टिफनर वगैरह लग रहा है, इसमें ब्रेसिंग वगैरह जो लग रहा है और बीम लग रहा है, ये सब जो है सबका यहाँ पे नंबर दिया गया है 13, 14, 12 ये सब दिख रहे हैं। सो ये सब जो लिखा गया है यहाँ पे जो नंबर दिया गया है 21, 24, 25, 28 तो वही सब इसमें डिटेल देखने के लिए ये सब आपको अलग अलग पार्ट में मिलेगा कि किस तरीके से कहाँ पे कैसे फिटिंग करना है, क्या लगाना है। यहाँ पे जो भी ब्रेसिंग वगैरह बन रहा है सब पाइप का ब्रेसिंग बन रहा है, मैं आपको इसका डिटेल भी बता दूंगा कि कैसे देखना है। और यहाँ पे जो एरो बना करके ये सब जो दिखाया गया है ये सब साइड व्यू और देखने के लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं वाई करके और एरो बनाया गया है, यहाँ पे जेड करके एरो बनाया गया है, यहाँ पे ए और बी करके एरो बनाया गया है और यहाँ पे ए ए करके एरो बनाया गया है। जो यही सब साइड व्यू देखने के लिए ये सब दिया गया है, किस तरीका से आपको डिटेल ये सब में देख लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सब डिटेल जो है वही सब सेक्शन जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि किस तरीका से आपको देखना है। मैं आपको आगे बता दूंगा किस तरीका से इसका डिटेल देखेंगे। पहले हम एक और ड्राइंग ओपन करते हैं और भी इसको समझते हैं कि किस, ताकि आपको और क्लियर समझ में आ जाए। अब इसमें हम ये तीसरा ड्राइंग को ओपन कर रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देख रहे हैं सेम वैसा ही है, ये भी है जो है टॉप व्यू एलिवेशन प्लान इसमें दिखा रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म का इसमें दिखा रहा है। थोड़ा सा हम इसको जूम करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं एलिवेशन लिखा गया होगा, यहाँ पे देख सकते हैं एलिवेशन लिखा गया 18 मीटर 200 एलिवेशन का ये जो है डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम नंबर ए बी और सी
और 1, 2, 3, 4, 5 पूरा कॉलम का यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे दे दिया गया है कि क्या क्या यहाँ पे आपको लगाना है किस तरीका से, और यहाँ पे कहाँ पर है ये जो है एलिवेशन यहाँ पे देख सकते हैं। ये छोटा वाला जो ड्राइंग बनाया गया है इसमें, इसको हम जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे 18 मीटर 200, ये 1 जो है छोड़ देना है, ये 100 टोटल जो हो जाएगा अगर, तो यहाँ 0 एलिवेशन हो जाता है। यानी कि ये देखिए यहाँ पे 100,000 अगर हम माइनस कर देते हैं तो सिर्फ 200 यहाँ पे एलिवेशन बच जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है हम ये 10 को हटा देंगे तो ये 2 मीटर 600 हो जाता है, और यहाँ पे जो एलिवेशन दे रहा है हम इसमें 1 को हटा देंगे तो ये 18 मीटर 200 एलिवेशन का यहाँ पे जो देख सकते हैं दिस ड्राइंग यहाँ पे लिखा गया, यानी कि इस एलिवेशन का, इस एलिवेशन पे जो प्लेटफॉर्म बन रहा है उसी का यहाँ पे डिटेल आपको इस ड्राइंग में टोटल आपको मिलेगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे ये सब कॉलम है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो छोटा सा ये बॉक्स टाइप का आपको दिख रहा है ये सब कॉलम है, ये कॉलम हो गया और ये सब बीम हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये सब बीम लगा हुआ है, सेम वैसे ही है। और बाकी ये सब का जो है डिटेल अगर आपको देखना है तो आपको ये सब नीचे ड्राइंग में ये सब मिल जाएगा। बाकी सब है किस तरीका से ये सब फिटिंग करना है, क्या क्या लगाना है, इसमें 6 ड्राइंग है आपको मिलेगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमको यहाँ का डिटेल देखना है कि यहाँ पे किस तरीका से ये फिटिंग हो रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, तो हम ए में देखेंगे, यहाँ पे एरो करके ए लिख दिया गया है और यहाँ पे लिख दिया गया है शीट 2 में आपको देखना है। ये देखिए ये शीट 2 हो गया और ये ए हो गया, यहाँ पे देखिए ए लिखा गया है और सेक्शन ए और ये हो गया शीट 2, यहाँ पे देखिए 2 आ गया है और ड्राइंग में भी आपको शीट 2 यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड ये जो देख रहे हैं आप इस तरीका से कॉलम जो खड़ा रहेगा, कॉलम के साइड में इस तरीका से ये बीम आपको लगाना है, और ये बीम का जो नंबर है HEA 360 इसमें लिखा गया है। अगर आपको अब इसका एक और डिटेल आपको देखना है, A1 यहाँ पे देखिए एरो करके दे दिया गया है, अगर हम इसको फिर से टॉप से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वो इसी का डिटेल यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं A1 यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे ये जो कॉलम जो खड़ा हो रहा है बीम का, यहाँ पे देख सकते हैं ये आई बीम हो गया इस तरीका से, और ये जो बीम लग रहा है ये वाला, ये उसी का यहाँ पे डिटेल ये वाला दिखा रहा है। और ये जो एक दिख रहा है आपको यहाँ पे EP E6 P3 यानी कि कुछ स्टिफनर वगैरह इस तरीका से लगेगा, तो वो स्टिफनर भी आपको देख लेना है, उसका लंबाई चौड़ाई कितना रहेगा, या फिर इसका जो नंबर से आप यहाँ नीचे में देखेंगे कि वो प्लेट कहाँ पर है, किस डिजाइन का कटेगा, आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं E6 P1 इस तरीका का एक प्लेट आपको कटिंग करना है स्टिफनर, और वो बीम के अंदर आई बीम में लगेगा जो कॉलम है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और लाइक करिए, और हमारे वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करिए, और हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरीका का नीचे लाल बटन होगा उसे आप दबा लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।